all of you on 70th Republic of Day of India. The freedom and rights that we enjoy today as a citizen of India, for this we owe it all, our constitution and to the people who created it. Our constitution is the rule book of India. Hamare adhikar, hamare kartavya, sarkar ka charitra, yeh sab hame hamare samvidhan se mila hai. Much had been sacrificed by our freedom fighters to gain independence. But they had vision for India. They took the laborious and painful task for formulating a constitution of India. Ek aise Bharat ka nirman jahan jaat, pant, dharm ka koi bhed na ho. Ek aisa Bharat jahan sabhi ko saman avsar praapt ho. Ek aisa Bharat jahan aapki sadbhav aur bhaichara ho. इन गुणों का भारत बनाने को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आशा की थी और उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया. As we say, जय हिंद, you know the meaning of जय हिंद. जय हिंद मीन्स भारत की जय हो, विक्ट्री ऑफ इंडिया. और ये जय कब होगी? When victory of India will occur. Victory of India will occur when you guys are progressing in your field. जब आप अपने कैरियर में कुछ करके दिखाएंगे, then you are definitely making India proud. My dear friends, Swami Vivekananda ne kaha tha, वह व्यक्ति जो educated है, दूसरों की पीड़ा को समझता नहीं, वह पत्थर है. बच्चों, मैं यह कहना चाहूँगा कि समाज में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए हमारे मन में अगर फीलिंग्स नहीं है, किसी रूप में उसकी सहायता नहीं कर सकते और हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है. हमें पत्थर नहीं बनना है. पत्थरों में फूल नहीं केवल काई जमती है, हमें मिट्टी बनना है ताकि उसमें खुशियाँ और फूल लहरा सकें. आज 4G का जमाना है, बट आई टेल यू अबाउट 4D. ये 4D जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भारत के परम वैभव की परिकल्पना कीजिए. 1st D, ड्रीम, ड्रीम फॉर न्यू इंडिया. 2nd D, डेडिकेशन, डेडिकेशन फॉर नेशन बिल्डिंग. 3rd D, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन टू इंडिया वर्ल्ड पावर, विश्व गुरु. 4th D, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आर कंडक्ट बाय रिस्पेक्टिंग आवर वैल्यूज. भारत आज विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है. युवा एक ऐसा शब्द है, अगर आप इसको अपोजिट करें तो वायु बनता है, और वायु में इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि वह निर्माण भी कर सकती है और विध्वंस भी. उस वायु की ऊर्जा को यदि आप सही दिशा में लगाएंगे, इन राइट डायरेक्शन, तो वह एक बिजली पैदा कर सकती है. एक ऐसी बिजली जो आपके समाज के अंधेरे को, आपके देश के अंधेरे को, पूरे वर्ल्ड के अंधेरे को दूर कर सकती है. तो आप सबको अपने भीतर उस बिजली को जगाना है. बच्चों, रेंगने से अच्छा है चला जाए, चलने से अच्छा है दौड़ा जाए, दौड़ने से अच्छा है उड़ा जाए. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन द मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक. हैव यू सीन द मूवी सर्जिकल स्ट्राइक? व्हाट वाज इन दिस? व्हेन आर्मी मैन सेज हाउ इज द जोश, व्हाट डू यू से?